नमस्कार जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के बारे में लोगों को ये भ्रम है कि इसका जो असर है वो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर डायग्नोज सही होता है और बीमारी की जड़ अगर सही पकड़ी जाती है तो आयुर्वेद बहुत फास्ट कार्य करता है। ऐसे ही आज एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, हमारे सामने बैठे हैं मंजीत कौर जी और उनका बेटा हरप्रीत सिंह जी। तो इनसे सुनेंगे कि मंजीत कौर जी आपको क्या दिक्कत थी, कब से दिक्कत थी, क्या क्या आपने ट्राई किया, और साथ में हरप्रीत सिंह जी हमें बताएंगे। हाँ जी मंजीत कौर जी, क्या क्या दिक्कत थी दर्द होता आपको? दीदी जी बहुत मेरे, हुण मैंने फर्क का दर्द लग गए, बहुत दर्द होता था। तो बहुत दर्द हरप्रीत सिंह जी होता आप जी। बताइए, मैं क्योंकि गाई भी आप ठीक नहीं होना, मैंने इतना दर्द होता जी मेरे बहुत पीठ तो में। आप बताइए कि कब दर्द शुरू हुआ और कैसे कैसे आपने हाँ ट्रीटमेंट सर, ली? नमस्कार जी। सर मैं बताना चाहता हूँ, काफी लंबे समय से दर्द हो रहा था, 2-3 साल हो गए थे। हम है ना लुधियाना, संगरूर, मलेरकोटला, सभी जो हॉस्पिटल हैं जो लोग बताते थे वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, बहुत जगह हमने मेडिसिन वगैरह लेके देख लिया था पर कहीं भी ठीक नहीं हुआ था। लास्ट में हमने आपके बारे सुना। तो जैसे इन्होंने बताया कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास भी जा चुके थे, सारे टेस्ट भी हो बहुत सारे चुके टेस्ट हो थे, चुके पूरी थे। हाँ दवाइयां खा चुके थे, लेकिन जी बीमारी सर, समझ नहीं आ रही नहीं समझ थी। आ रही थी सर, दर्द दर्द कितना होता था? बहुत ज्यादा होता था सर। अभी तो ऐसा हो गया था, अभी जो ट्रामाडोल मतलब पेन किलर है वो लास्ट वो स्टार्ट कर दिया था डॉक्टरों ने देना सर। तो ट्रेमाडोल शुरू हो गई थी, साथ में नींद की दवाई भी शुरू कर हाँ दी सर, थी नींद कि शायद डिप्रेशन स्ट्रेस की टेंशन डिप्रेशन करके दिक्कत सारा होनी सर है। स्टार्ट कर तो दिया था। लगभग 3 साल हो गया हाँ आप, 2-3 साल से सर ऐसा लगातार था। डॉक्टरों के पास जा रहे हाँ हैं, जी सर, तो बहुत बिल्कुल तीखा सर, दर्द होता बहुत था। ज्यादा दर्द होता था सर, बहुत ज्यादा था बहुत। तो मंजीत जी और वो हमारे पास आए किसी के कहने पर, तो हमने अभी 6 दिन पहले हमारे पास आए थे, तो जैसे आयुर्वेद के अनुसार उदावर्त और वातजगुलम की हमने इसमें चिकित्सा की, प्रॉपर डायग्नोज किया गया, इनको खान पान के बारे में बताया गया, इनको परहेज बताया गया, जीवन शैली कैसी होती है, खाना कैसे खाना है, परहेज कैसे करना है, चिंता मुक्त कैसे रहना है। तो 6 दिनों की दवाई के बाद आज हमारे बीच आए हैं, तो आज बताएंगे हरप्रीत जी अब कैसा है, कितना फर्क सर है। बिल्कुल कमाल हो गया, जो दर्द था बिल्कुल खत्म ही हो गया, दर्द बिल्कुल सेहत खत्म अपनी हो गया, सर जो सेहत दर्द में आ गई ट्रेमाडोल से सर। नहीं जा रहा हाँ था, जी जो सर, दर्द दर्द की गोलियों से नहीं जा रहा था, सर जिसमें टोटल दुनिया भर के ही सारे टेस्ट करा लिए थे, और 3 साल से जिस दर्द के पीछे में भाग रहे भाग थे। रहे थे सर। अब हमें ज्यादा भी नहीं, वो दर्द भी होता था या नहीं, लेकिन और मंजीत कौर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मन में डर बैठ गया था कि पता नहीं कब कब दर्द हो जाएगा, हाँ तो जी की क्या सर। कहना चाहूंगा मंजीत जी की हाँ हो? कहती भी जी, भी डर, मैं बहुत डर लगता थी जी, मैं कुछ खा लिया जल्दी दर्द उठू मेरे, मतलब डरती कुछ खांदी भी नहीं थी, खाने से पहले डर लगता था पहले डर दर्द ना लगता स्टार्ट हो थी जाए। भी दर्द ना स्टार्ट हो जी मेरे। तो देखिए स्थिति है कि इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद भी मतलब फर्क नहीं था, लेकिन एक और बात है कि जब हमने इनको इन्होंने ढंग से पूरी डाइट सुनी, तो उन्होंने 2 टाइम खाना खाया, रात का खाना 6 बजे खाना शुरू किया, ठीक है, बहुत सारी इन्होंने साथ में परहेज भी किए। तो अब आपने कोई दर्द की गोली ली? नो सर, कोई बिल्कुल नहीं। नहीं सर, और लगी नहीं नींद की थी गोली आप कितने टाइम से ले ना रहे ना, थे? होने लगी लास्ट लगी दो मेरी साल तो ले रहे थे, पर सर हम बिल्कुल बंद, हूँ नेचुरली लगी नींद बहुत अच्छी आ रही है। 2 सालों से नींद की गोली ले हाँ रहे जी थे और वो नींद नींद की गोली बंद कर दी। बंद हो गई सर, करती जी नींद। तो आप देखिए कि अगर रोगी अगर बीमारी सही डायग्नोज हो जाए, बीमारी की जड़ पकड़ी जाए, आयुर्वेद के अनुसार जैसे अग्नि को हम पहचान लें कि कौन सी अग्नि है, दोषों का पता लग जाए, वात पित्त कफ, निदान क्या है, बीमारी के पीछे कारण क्या है और उसको दूर कैसे करना है, और दीपन पाचन का जो सिद्धांत रहेगा, संज्ञा स्थापन का जो सिद्धांत रहेगा, अगर उस सिद्धांत पे हम काम करें तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी एलोपैथी से भी ज्यादा फास्ट जो है आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है। तो 3 सालों का जो दर्द था, जिसमें दुनिया भर की कोई दवाई मतलब हमने नहीं छोड़ी थी, हर दवाई इंग्लिश हमने ट्राई कर ली थी, हर पेट के कई डॉक्टर हमने बदल लिए थे, दिमाग के डॉक्टर बदल लिए थे, सारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, हर चीज हमने कराई थी, फिर भी फर्क नहीं था। तो आयुर्वेद की मात्र 6 दिनों की दवाई से जो है इतना फर्क पड़ गया कि 100% कोई दर्द नहीं हो रहा है, और आज तो इन्होंने आज की इनकी दवाई भी खत्म थी फिर भी वो दर्द इनको नहीं हुआ। तो मैं शुभकामना देता हूं कि आगे जो है मंजीत कौर जी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ आपका जी बहुत बहुत सर, हमारी धन्यवाद। तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। तो आयुर्वेद के बारे में क्या क्या सोच, आप हाँ पहले क्या थी आपके मन में भावना, और आपके अब क्या सोचते हैं सर, आप? हमें ऐसा था भी बहुत स्लो असर करता है, बहुत लंबा टाइम लगेगा अभी है ना, भी ऐसा मुश्किल है, भी दर्द खत्म नहीं होगा, पर हमें लगता है भी 1 हफ्ते में हमारा सब कुछ ठीक हो गया सर। हाँ, तो इसलिए जो लोगों के भ्रम है कि आयुर्वेद लेट काम करता है, उन भ्रम को निकाल दीजिए, हाँ जी बशर्ते कि आपकी बीमारी सही पकड़ी हाँ जाए, जिस जी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उस डॉक्टर को आपकी बीमारी का सही ज्ञान हो, सही आपको मेडिसिन लिखी जाए, सही आपको परहेज बताया जाए, तो आप कोई भी बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो हाँ सकती जी है। सर, बिल्कुल सर, हम सभी को यही सजेशन देना चाहते हैं भी, एक बार आपके कॉल आके ना, जो भी आपकी बीमारी है उसे बता के एक बार स्टार्ट करें आयुर्वेदिक, वो बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू बहुत बहुत सर, धन्यवाद आपका। ओके सर। ठीक।